कीर्ति सतगुरु कृपा करो अपने पवित्र चरण मेरी कुटिया च भी पाओ। गुरु जी ने उन्हां दी बेनती नूं स्वीकार कर लिया। टाइम दे दिता गया ते राजा आके गुरु जी दे आउण दीआं तैयारियां कर लगा। सोच लगा संगत आएगी, संगत नूं ज्ञान कोई सुनाण वाले बुला ले जान, उन्हां ने बनास दी महान विद्वानां नूं बुला ले। उस संगतां नूं वेद मंत्र दस रहे ने। गुरु जी लई राजा ने एक सुनहरी सिंघासन बनाया हुआ। जदों गुरु जी आए तुसी ओ पिक्चर कई जगह देखी होएगी, उस सुनहरी सिंघासन वाली। गुरु जी ने उस सुनहरी सिंघासन पे बिठा दिता गया। उन्हां लोकां नूं चंगा नहीं लगा, कहन लगे राजा सानू इतने इतने वड्डे विद्वानां नूं बुला करके इस नीच नूं तूं उच्चे उत्ते बिठा दे, असीं तेरा बैठ के भोजन नहीं खावांगे और तैनूं सराफ दे के जावांगे। जदों अज ये गल कही कि इस नीच नूं तूं उच्चा क्यों बिठा दिता है, तो राजे नूं गुस्सा आ गया। राजा क्रोध विच आ गया कि इन्हां ने मेरे गुरु राज गुरु नूं नीच कह दिया। सतगुरु जी तो इजाजत मंगी, राजा कहिंदा सतगुर करिए ऐसी कार, परमी ए जो लोक है करा शहर तो बार। ए गुरुदेव हुक्म करो कि जितने हंकारी लोक ने इन्हां नूं मैं शहरों बाहर कट दिया, देश निकाला दे देवा, इन्हां नूं काले पानी की सजा दे देवा। गुरु जी मुस्कराए, कह लगे राजा तू गुरमुख है? हां पासा, मैं तुहाडा सेवक हां सेवादार। तू राजा गुरमुख विच क्रोध नहीं हो। सतगुरु कहिंदे राजिया सुनो हमारी बोध, करोध कर्म के धर्म नष्ट ताके तजो करोध। राजा करोध कर्म दे नाल कर्म नष्ट हो जांदा है, करोध नहीं करना। असी सतगुरां दे सेवक हां, असी भी जिंदगी च गुरु जी का हमेशा ये उपदेश याद रखना कि असी भी कदे करोध नहीं करना, क्योंकि करोध आना थोड़े समय लई है, नुकसान बहुत वड्डा करके जाना। कई बार कई गल करिए कहते जी पल दो पल कित करोध आ ही जाता है, ज्यादा नहीं पूरा समा नहीं रहा, नहीं दो पल भी करोध नहीं आना चाहिए। गुरु जी का कहना है कि दो पल भी करोध नहीं आना चाहिए। एक्सीडेंट कोई घंटिया का नहीं होंगे, कुछ पलों का ही होंगे, ये नुकसान बहुत कर देता है। करोध भी बहुत वड्डा नुकसान करके जाता है जीव का। इस करके कोशिश करनी है सानी गुरु जी की बाणी नूं अपने जीवन च अपनाउण दी, परिवारां च सोसाइटियां च किते भी करोध ना करे। राजा इन्हां लोकां नूं बाहर कढ़न की जरूरत नहीं है, इन्हां नूं तुसी बाहर कढ देवोगे, बाहर जाके भरम फैलाणे। मैं इन्हां दे अंदर दे भरम नूं बाहर कढ देवांगा। गुरु जी ने की कहा, इन्हां नूं इत्थों बाहर कढ़न की जरूरत नहीं है, ये बाहर जाके भरम फैलाणगे, मैं इन्हां दे अंदर दे भरम नूं बाहर कर देवा। वाकया गुरु जी ने उन्हां दे अंदर दा परम कर दिता। और गुरु जी दे अगे वो लोग चुकन लई मजबूर हो गए। जदों
गुरु जी ने कहा राजा इन्हां नूं लंगर जरूर खिला दे, बर्बाद जाएगा, मेरे तो नफरत कर दे, मैं अंदर चला जाऊंगा। राजा सतगुरां नूं लैके उन्हां दे हुक्म नूं मन दे के अंदर चला गया। बाहर नौकरां दी ड्यूटी लगा दित्ती, भोजन छका दो इन्हां नूं, कहिंदे चुके पूर के थाल जा नौकरां ने, कले कले नूं रख वर तहुण लगे, उना चुक धराई जा मुख लाई, नाल इक रविदास भी पहुण लगे, ओ तेरे नाल है बैठ रविदास खावे, जावे तीस ना किजनिया पहुण लगे। कहिंदे उदों ते तू कहिंदा सी उसे गासन ते क्यों बैठा, आपस विच गल्लां कर दे, हुण नाल ही बिठा लिया खान। वो कहिंदा मेरे नाल तदों तां तेरे नाल है। वो जितने लोग सन उतने गुरु जी दे रूप बन गए। रौला पै गया, रविदास तेरे नाल है, रविदास तेरे नाल है। राजा कहिंदा गुरु जी ते अंदर है, बाहर कौन गुरु रविदास आ गए। तो वेख्या सभना दे नाल गुरु जी बैठे, उन्हां दा मान टुट जांदा है, वो गुरु जी दे अग्गे आके चुप जांदे। राजा ने कहा वाह गुरु कृपा कर दित्ती, पत्थर भी पगला दित्ते, ए पत्थर भी मुंह बना दित्ते, तुसी ये गुरु जी च पावर सी, ताकत सी, उन्हां दा कोई भी दुश्मन नहीं रहा। ए थोड़े दिनां दी गल है, करमूना सहित पिंड दा नाम ਦਿਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ कि मेरी जात पुट बांडला टोर टवनता नित ही बनारसी, आस पासा अब विपर प्रदान करे डेंडो, तेरी सरनाई रविदास दासन दास। आज बनारस दे महान विद्वान विपर प्रधान जेड़े ने मैनू डंडौता करे, सतगुरु रामदास जी ने भी कहते रविदास चमार उस्तत करे, हर किरत निमख एक गाए, पतत जात उत्तम प्या चार वर्ण पे पद आए। गुरु जी दे विच इतनी ताकत सी, चार वर्णा ने गुरु जी नूं अपना गुरु बना लिया, चार ही वर्णा ने उन्हां नूं किवें कतल करना सी, क्योंकि ओह तां जिहड़ा वी उन्हां दे सामने हुंदा उन्हां दे तेज प्रताप इन्ना सी उन्हां दा मुरीद बन जाणा। अज ओह जिहड़े लोक गुरु जी दे चरणां ते डिग पे, राजा बहुत प्रभावित होया, ऐ सतगुरु जी तुसीं पत्थरां नूं वी मूंह बना दित्ता, मंत्री मंडल बनाया, आज गुरु जी की शोभा यात्रा हो गई, होया पूरे शहर नु सजा दिता गया। राजा ने सतगुरां नु एक हीरिया जड़त रख के बिठाया, राजा अपने हथा नाल चवर चला रहा है, और चारे पास्यों फुल्लां की वर्खा हो रही है, पूरे बनारस दे लोग सड़कां ते जुड़ गए ने, राजगुरु गुरु रविदास जी दी शोभा यात्रा आ रही है। इतिहास दस रहे थे जब गुरु जी ने पीसे चाती मारी, तो जेड़े उन्हां दे दुखी लोग सन ना, उन्होंने ही किसी ने गल च टोल कपाई हुई, किसी ने चिमटा लिया हुआ है, ते कोई खड़ताला बजा बजा के गुरु जी की महिमा गा रहे।
ते गुरु जी ने उदो ये नहीं किया मेरी बहादुरी है, सगो गुरु जी ने कहता ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐ मेरे मालिका ऐसी कृपा भला तेरे बिना साडे ते कौन कर सकदा सी। ये सतगुरां ने प्रभु नूं कहा, पर अदास अज सतगुरां नूं कहिंदा है कि जिन्हां दा तुसीं जन्मदिन मना रहे हो वो युग पलटाओ, वो साडे रहबर उन्हां नूं कह रहा कि ऐ सतगुरु जी ऐ बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी कृपा ऐसी बख्शिश तुहाडे बिना साडे ते किन करनी सी। अज विदेश दी धरती ते भी असी तुहाडा जस गा रहे हां और इतनी इतनी सुंदर गुरु घर बनाए हुए। मेरी गल हो रही सी भारत दे विच, तो मैं दस रहा सा कि ये गुरु घर आने लगता जिवें फाइव स्टार होटल हो। ऐसी कृपा ऐसी बख्शिश किन कीती सतगुरां ने, बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने जिन्हां दा तुसीं जन्मदिन मना रहे। हुणे हुणे सेवादार दस रहे सन कि नानक चंद्र तू रोया लास्ट च कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता है, पर तुसीं वफादार सिपाही बने। वाकया ये उन्हां दी कृपा नाल है, उन्हां हुंदे तो साडे ते ये दिन नहीं सन होणे। बड़ियां सुंदर पंक्तियां सुन सहजल ने लिखियां होईयां कि हुंदे जिंदगी ना तो नहीं जानू, ना कोई जिंदगी जीन दा चज हुंदा, पर चीन जमाने दे मनु सदका ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਝੂਠ ਖਾਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦਵੱਟਿਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਜਾਂ ਸੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸ ਹਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਾਨ ਤੇ ਲੱਖ ਤਾਲੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਮਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਸਤਰਤ ਰੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਐ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਤ ਜਗਤ ਕਿਉਂ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਸੋਤ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਉੱਠੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਟਿਫਨ ਸੈਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ,
जिदी सोत तो लोग डरते सन तहां पर तू ही डरे। अज सतगुरु दी उन्हां ते कृपा हो गई, बख्शिश हो गई। अज सरकारा दी मजबूरी बना दे, दिनों दे सक कुछ ना कर, पर मजबूरी बना दिती कि दफ्तरां दे विच बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दा चित्र जरूरी है। गल ये है कि जदों कोई चीज बहुत विकल लग पे ना, ते नकली उपर नकली चीजां ते भी लेबल ला के बेची जांदे। आज मजबूरी बन गए भारत च की दस नूं वैनकूवर जाण दा समां मिलिया, उत्थे यूनिवर्सिटी रह गई मैनूं, बाबा साहिब जी का बुक लगा हो। आस्ट्रेलिया दे विच गए, सिडनी दे विच यूनिवर्सिटी च बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बुत लगा होया। अमरीका च, इंग्लैंड, कमाल जान की सोत जगत को लागे तां पर तुही डरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद पाहूं ते ना डरे। ओ मेरा सतगुर, सतगुरां ते प्रभु नूं कहा पर दास सतगुरां नूं कहिंदे। ओ मेरा सतगुर नीचा तों ऊच बना दिंदा। बसरत है जिन्हां ने गुरु के उपदेश नूं मान लिया।